स्मैकटेक में सबका बहुत बहुत स्वागत है। मी बैंड एच आर एक्स एडिशन लगभग 10-11 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए। इस वीडियो में मैं मी बैंड का जो है यहाँ पर डिटेल रिव्यू करूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले बात कर लेंगे बैटरी लाइफ की। कंपनी की ओर से कहा गया कि 23 डेज़ का बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चार्ज कर सकते हो आप अपने पुराने चार्जर से या पावर बैंक से। मुझे चार्ज किए हुए लगभग 8 से 9 दिन यहाँ पर हो गए हैं और मुझे जो यहाँ पर बैटरी लाइफ मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है हार्ट रेट सेंसर नहीं है तो बैटरी लाइफ इंक्रीज़ हो गया है। 81% चार्ज अभी भी बाकी है। 8 दिन मुझे यहाँ पर हो गए हैं फुल यूजेस करके। डिस्प्ले की बात करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले जो है आपको यहाँ पर स्कैच रेजिस्टेंट मिलता है और जो सनलाइट विजिबिलिटी आपको मिलती है वो बहुत ही अच्छी है। बैंड के बारे में बात करेंगे, बैंड की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। कंपनी की ओर से कहा गया कि हाइपो एलर्जिक प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिलती है, मतलब अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो इस बैंड को यूज़ करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं 10-11 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा खुद का जो स्किन है यहाँ पर सेंसिटिव स्किन है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुआ। हालाँकि 10-11 दिन बहुत ही कम समय है इस बात को जो है साबित करने के लिए। बैंड के वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बैंड जो है यहाँ पर IP67 रेटिंग के साथ आती है, मतलब बैंड वाटरप्रूफ बैंड है। यहाँ पर पानी से इसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो बैंड की सेंसिटिविटी है, टच सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो पानी पड़ते हुए यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन हो चुकी है। सावर में आप पहन के इसको नहा सकते हो। यहाँ पर मैं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़े से मूवमेंट से जो बैंड की जो डिस्प्ले है वो जो अवेक हो जाती है, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हालाँकि इतना स्मूथ नहीं है, आपको थोड़ा यहाँ पर जो है दम लगाना पड़ता है। बैंड की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो बैंड आप देख रहे हो ये लेनोवो का बैंड है। लेनोवो का बैंड में प्रॉब्लम यह आता है कि जब पेयरिंग आप करते हो फ़ोन के साथ तो ब्लूटूथ कनेक्शन जो है बीच बीच में छूट जाता है, लेकिन मी बैंड एच आर एक्स एडिशन के साथ ऐसा नहीं है। जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इतनी अच्छी है कि आप अंडर वाटर भी यहाँ पर दे सकते हो, जो कॉल की नोटिफिकेशन आसानी से यहाँ पर आ रही है। मैं पहले भी वीडियो में ये फुटेज दिखा चुका हूँ। यहाँ पर मैं जो पेडोमीटर सेंसर की एक्यूरेसी है उसको टेस्ट कर रहा हूँ। 906 पे मैंने यहाँ पर चलना शुरू किया। लगभग मैं यहाँ पर 10 से 11 कदम चला हूँ और यहाँ पर मैं देखूँगा कि कितना स्टेप काउंट कर रहा है बैंड। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकल के आता है 919, मतलब थोड़ा सा ओवर काउंट कर रहा है बैंड। यहाँ पर 919 पे मैंने यहाँ पर जो फॉल्स जेस्चर देना शुरू किया, सिंगल हैंडेड फॉल्स जेस्चर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। फिर देखता हूँ यहाँ पर क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। जो यहाँ पर रिज़ल्ट आता है वो सेम है, मतलब फॉल्स जेस्चर ये नहीं लिया सिंगल हैंड का। अब मैं यहाँ पर डबल हैंडेड फॉल्स जेस्चर देना शुरू किया हूँ और जो रिज़ल्ट निकल के आता है यहाँ पर 930 है, मतलब इसलिए डबल हैंडेड जेस्चर को जो है यहाँ पर काउंट कर लिया है। नोटिफिकेशन के बारे में बोलना चाहूँगा, हालाँकि ये एक फिटनेस बैंड है जिसमें हार्ट रेट सेंसर आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन फीचर्स हैं बैंड की, जो ऐप्स वगैरह कॉल वगैरह की मिलती है, वो बहुत ही हैंडी है। बाइक चला रहे हो आप और आपको कौन कॉल कर रहा है आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो है पता चल जाएगा, तो जो कि एक बहुत ही हैंडी फीचर है। और ऐप्स वगैरह के बारे में बोलना चाहूँगा, अगर आपने नोटिफिकेशन जो ऐप में ऑन करके रखोगे तो आपको यहाँ पर सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आराम से। और जो अनलॉक फीचर के बारे में बोलना चाहूँगा, बैंड अगर आपने हाथ में पहना हुआ है तो आपको अलग से जो आप करते हो या नंबर देके लॉक करते हो पासवर्ड लॉक, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बैंड अगर आपके हाथ में है तो ये फ़ोन खुद ब खुद अनलॉक यहाँ पे हो जाएगा। मी फिट ऐप के बारे में बोलना चाहूँगा, अदर जितने भी बैंड यहाँ पर आते हैं, लेनोवो बैंड बोल लो या इंटेक्स की बैंड बोल लो, उससे बहुत अच्छी जो है ये ऐप है। यहाँ पर जो स्लीप जो ट्रैकिंग यहाँ पर बैंड करती है उसके बारे में मैं दिखाना चाहूँगा। टोटल स्लीप टाइम यहाँ पर आपको पता चलता है और कितना घंटा आपने लाइट स्लीप लिया और कितना घंटा आपने डीप स्लीप लिया, और ये यहाँ पर कंपैरिजन भी आपको दिखता है आज के मुकाबले कल का। हालांकि यहाँ पर 2 दिन का जो है स्लीप काउंटिंग का जो डाटा यहाँ पर मौजूद है मेरा, और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल स्लीप काउंट। जो स्लीप काउंट जो फीचर है यहाँ पर, जो स्लीप ट्रैकिंग करती है आपका, क्वालिटी ऑफ स्लीप ट्रैकिंग करती है, वो अच्छी है। मैं बोलना चाहूँगा दूसरे जो ऐप्स आते हैं बैंड के साथ, मी फिट ऐप का यहाँ पर अच्छा है। यहाँ पर जो स्टेप काउंटिंग मैंने यहाँ पर आपको चेक करके दिखाया, जो बैंड है वो थोड़ा ओवर काउंट करती है, लेकिन जैसा कि कहा गया है यहाँ पर पेडोमीटर सेंसर जो है एच आर एक्स एडिशन में जो यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि सिंगल हैंडेड जेस्चर मैंने जब करके दिखाया आपको तो वहाँ पर वो काउंट नहीं कर रहा था, हालाँकि डबल हैंडेड जेस्चर उसने काउंट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, कितना कैलोरीज आपने बर्न किया, यहाँ पर सारे डाटा आपको मिल जाएंगे हर एक दिन के, जब से आपने स्टार्ट किया होगा बैंड को पेयरिंग करके चलना स्टार्ट किया होगा, सारे डाटे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
बैंड के नोटिफिकेशन फीचर के बारे में फिर से बोलना चाहूँगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन फीचर जो है बैंड की, वो सबसे पॉजिटिव जो क्वालिटी है। यहाँ पर सारे जो आप ऐप देख सकते हो, यहाँ पर ट्विटर से शुरू करके टिंडर या मेल वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह मैसेज के सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन क्या मैसेज आया वो आप नहीं पढ़ पाओगे, खाली आपको जो है यहाँ पर आइकॉन वगैरह जितने हैं वो सारे दिख जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैंने यहाँ पर फ़ोटो लेके यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज की, मेल की और टेलीग्राम की यहाँ पर, और यहाँ पर गूगल क्रोम की भी नोटिफिकेशन मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो अगर हार्ट रेट सेंसर यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो मी बैंड एच आर एक्स एडिशन आपके लिए बहुत अच्छा फिटनेस बैंड का ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पर एक्यूरेट मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना।